नाज़रीन इकराम, आपने अक्सर सुना होगा और देखा होगा कि आतिशफ़शां दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कैसे फटते हैं। जो अदाद-ओ-शुमार अभी तक बताए गए हैं उसमें साल में दुनिया में तकरीबन 60 ऐसे मकामात हैं जहां पर आतिशफ़शां फटते हैं और इसका नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है और बड़े दूर दूर से सैयाह या जुग्राफियाई तालिबान इसको देखने जाते हैं और यह नज़ारा ऐसा होता है जिससे आंखें खीरा हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए अगर आपने उसके करीब जाना है तो कम से कम आप उससे 10 किलोमीटर दूर रहें और फिर स्पेशल किस्म के कपड़े होते हैं जो पहन के ये लोग जाते हैं जो इसके शौकीन हैं और वहाँ पर जाकर वो उसका नज़ारा करते हैं। और बाज़ अवक़ात ऐसा भी होता है कि कई लोग उसकी ज़द में भी आ जाते हैं और वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं। लेकिन बहर आतिशफ़शां एक ऐसा लावा है जो ज़मीन से उगलता है क्योंकि आतिशफ़शां फटने से इतना नुकसान नहीं होता जितना उसके नीचे जो प्लेटें होती हैं वो हिलती हैं तो उससे एक आतिशफ़शां निकलता है जो दूर तक कई मीलों तक वो जाता है, ऊपर भी जाता है और उसकी वो ज़मीन की तह में भी चला जाता है। बहुत सारे आदादोशुमार जो देखने में आए हैं, 1500 ईस्वी में 2,80,000 अफराद आतिशफ़शानों का निशाना बने। इसके अलावा 1,70,000 सिर्फ आतिशफ़शानी के धमाकों का शिकार हुए और 2000 से अब तक तकरीबन 2000 लोग आतिशफ़शानों की जद में आकर हलाक हो चुके हैं। हमारे मुल्क बलूचिस्तान में भी आतिशफ़शां फटते हैं और इनके फटने से कोई ख़ास नुकसान नहीं होता क्योंकि ये दूर दराज इलाकों में होते हैं और मिसाल के तौर पर ये मकरान कोस्टल का इलाका है, यहाँ पर आतिशफ़शां फटता है और ज़मीन में धंसने की अलामत नज़र आती हैं। ज़मीन तपश और दबाव की वजह से इसमें दरारें पड़ जाती हैं और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों को बताया जाता है कि आप इन इलाकों से दूर रहें क्योंकि यहाँ पर आतिशफ़शां फटने का ख़तरा है। ये नज़ारे आप देखें, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। लेकिन नज़र खूबसूरत तो ज़रूर आते हैं लेकिन इनके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं और कई ऐसे भी ममालिक हैं जिनमें मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर आतिशफ़शां फटने से बेशुमार लोग जो है ना उसमें ये जिन इलाकों में ये आतिशफ़शां ज़्यादा फटते हैं इनमें फिलिपाइन, इंडोनेशिया, कांगो और जापान शामिल है। ये लोग ऐसे करते हैं कि उनको समझ नहीं आती या फिर वो जानबूझकर उनको जगह नहीं होती तो वो आतिशफ़शानों की ज़मीनों पर अपनी आबादियां कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो जब फटते हैं तो फिर वो उसकी जद में आ जाते हैं। बहरहाल आतिशफ़शां एक खूबसूरत मनाजर आपको आज का मकसद ये था कि मैं आपको दिखाऊं और आप इससे महसूस हों और देखें कि आतिशफ़शां किस तरह फट रहे हैं, किस तरह लोग इतने लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, कभी इतने करीब ना जाइएगा, ये ना हो कि आप उसकी जद में आ गए। थैंक यू वेरी मच।